हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल में आप सभी लोग का स्वागत है। यस, बापा का आगमन हो चुका है 2023-24 का। इस बार वीडियोस लेट आए, उसकी वजह एक ही थी कि थोड़ा मैं बिजी था बापा को तैयारी में, उनके डेकोरेशन में। आपको मालूम है कि हर साल की तरह मैं कुछ मैसेज फॉरवर्ड करता हूँ बापा के आने के बाद, तो वो आपको आगे देखने का मौका मिलेगा। और दिल से धन्यवाद सभी को कि मेरे 1000 सब्सक्राइबर्स आप लोगों ने पूरे करवा दिए हैं। थैंक यू वेरी मच। थोड़े वॉच आर स्पेंडिंग है, वो भी आप करवा देंगे, मुझे उतना भी आप पे भरोसा है। तो ये साल के बापा मेरे घर पे आ चुके हैं, आप उसके दर्शन कीजिए और एक थोड़ा सा एक शो है वो देखिए, उसके बाद बापा के दर्शन करने का आपको मौका मिल जाएगा। तो चलो फ्रेंड्स, हाँ मैं आपको अगले ब्लॉग में मिलता हूँ, आप बापा का दर्शन कीजिए। बाय। नमस्कार, मैं बोल रहा हूँ, आप सबको भी दिख तो रहा हूँ ना, क्या नहीं दिख रहा? स्पॉटलाइट। मैं मुशुल राज, इस बार बापा आप सबको कहीं लेके जाना चाहते हैं, तो चलोगे हम हमारे साथ एक यात्रा पे? हम आपको यात्रा भी कराएंगे और उनकी विशेषताएं भी बताएंगे। हर भक्त चार धाम की यात्रा करना चाहते हैं, पर किसी कारणवश वो नहीं कर पाते हैं। आज के इस शुभ दिन पर हम बापा के साथ मिलकर चार धाम की यात्रा शुरू करते हैं, तो चलो। अरे रुको रुको, हर शुभ कार्य करने से पहले हाथ जोड़कर बापा को स्मरण तो करते हैं। वक्रतुंड महाकाय सूर्य कोटि सुम प्रभ निर्विघ्न पूर्वे देव सर्वकायशु सर्वदा सर्वकायशु सर्वदा। अब चलो हम सूर्यदेव जी को प्रणाम करके सूर्यदेव की पुत्री के धाम यानी यमुनोत्री धाम चलते हैं। ये चार धाम का पहला धाम है। भाई दूज के दिन जो भी भक्त यहाँ आकर यमुनोत्री के पानी में स्नान करते हैं, उन्हें यमुना के भाई यानी कि यम कभी भी अकाल मृत्यु और पीड़ा नहीं पहुँचाते। और यहाँ एक कुंड भी है जहाँ गर्म खौलता हुआ पानी भी है, उसका नाम सूर्य कुंड है। अब चलते हैं हमारे दूसरे धाम पे जिसका नाम है गंगोत्री धाम। नाम से ही प्रतीत होता है कि जिस जगह पे गंगा उतरी है उस स्थान के गंगोत्री कहते हैं। देवप्रयाग में 7 नदियों की धारा मिलके गंगा बनती है, उनका नाम है भागीरथी, जानवी, नील गंगा, मंदाकिनी, ऋषि गंगा, सरस्वती और अलकनंदा। अब हम जा रहे हैं हमारे तीसरे धाम की ओर। अरे यहाँ तो बहुत ठंडी है। ऐसा कहा जाता है कि पांडव और द्रौपदी अपने पापों की मुक्ति के लिए भगवान शिव की तलाश में निकले थे और हिमालय वहां पहुंच गए। उस समय एक बैल उन पे झपट पड़ा, यह देख भीम उसे लड़ने लगे। इसी बीच बैल ने चट्टानों के बीच अपना सिर छुपा लिया। उसके बाद भीम उसकी पूंछ पकड़ कर खींचने लगे, तब बैल का सर उसके घर से अलग हो गया। उस बैल का घर शिवलिंग में बदल गया और कुछ समय बाद उस शिवलिंग से शिवजी प्रकट हुए और पांडवों के पापों को क्षमा कर दिया। आज भी उस बात का प्रमाण केदारनाथ का शिवलिंग है जो बैल के खुले के आकार में है। आज वही शिवलिंग केदारनाथ धाम के नाम से जाना जाता है। जो जाए बद्री वो ना आए ओदरी, मतलब जो मनुष्य एक बार बद्रीनाथ के दर्शन कर लेता है उसे दोबारा मनुष्य जन्म नहीं लेना पड़ता। और ये ही है हमारा आखिरी और चौथा धाम। पहले इस स्थान पे भगवान शिव और उनका परिवार रहता था, पर भगवान विष्णु ने अपनी एक युक्ति से भगवान शिव से यह स्थान मांग लिया। फिर एक दिन भगवान विष्णु अपने ध्यान में थे, तब वहाँ बहुत बर्फ गिर रही थी और यह देखकर माँ लक्ष्मी ने बद्री पेड़ का रूप लेकर अपने भुजाओं से भगवान विष्णु पे बर्फ न पड़ने दी। जब उन्होंने आंखें खोली तो देखा कि देवी माँ लक्ष्मी ने बद्री पेड़ के रूप में उनके बराबर ही रख दिया, तो उन्हें वरदान स्वरूप उस मंदिर का नाम बद्रीनाथ रखा गया। तो कैसा लगा आपको हमारे साथ चार धाम की यात्रा में आके? चलो
चाहते हैं कि वो हमारे साथ हर यात्रा में ऐसे ही हमारे साथ बने रहे। तो जोर से बोलो, गणपति बाप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया। कशी मी गाता बापा मोरिया।